चामुर्सी इको पार्क के समीप आज फ्रांसीसी फाउंडेशन के स्थापना दिवस सहित फ्रांसीसी फाउंडेशन के कर्णधार संदीप छेत्री के 38वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज रविवार विविध सामाजिक कार्य के साथ साथ स्थानीय सैकड़ों लोगों को लेकर वनभोज का कार्यक्रम किया गया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जलपाईगुड़ी जिला परिषद के मेंटर अमरनाथ झा, समाज सेवी राजू गुरुंग, बाबू गोप, धन बहादुर छेत्री, रजा करीम, सनोज शाह सहित कई उपस्थित थे। आज फ्रांसीसी फाउंडेशन के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में संस्था के कर्णधार एवं गोरखा डेवलपमेंट एवं कल्चरल बोर्ड के वाइस चेयरमैन संदीप छेत्री ने इलाके के अनाथ बच्चों, बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लोगों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में विविध संस्कृति कार्यक्रम के साथ साथ वनभोज का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के कर्णधार संदीप छेत्री ने स्थानीय अनाथ आश्रम के बच्चों को खेल कूद की सामग्री उपहार में प्रदान की। वहीं फॉरेस्ट बस्ती के जरूरतमंद एवं गरीब तबके के एक व्यक्ति को घर बना देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में इलाके के बुजुर्ग 50 व्यक्ति को कंबल भी बांटे गए एवं चामुर्ची सर की बस्ती में जल की समस्या का निवारण करते हुए 2 बस्ती तक पानी लाने के लिए आवश्यकता अनुसार पाइप भी दी गई ताकि बस्ती में रहने वाले लोगों को पीने की पानी उपलब्ध हो सके। आज संदीप छेत्री ने अपने जन्मदिन एक अलग अंदाज में सामाजिक कार्य करते हुए मनाया, जिसकी आगंतुक अतिथियों ने जमकर सराहना की। देखते रहिए NEI डिवर्स न्यूज, यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विगत 3 साल से एक NGO को हम लोग चला रहे थे, हेल्पिंग हैंड्स का नाम से, जिस पर हम लोग विशेष करके एडुकेशन का ऊपर, शिक्षा का ऊपर, जब हमारा माध्यमिक और हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभिभावक है जो अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं करा सकते, उनके लिए हम लोग फ्री कोचिंग कराते हैं और उसके बाद में जब उनका रिजल्ट, जिनका अच्छा रिजल्ट होता है, उनको हम लोग प्राइस दे के उनको शिक्षा में थोड़ा आगे करने के लिए, इंकरेज करने के लिए हम लोग काम करते हैं। साथ ही कोविड का समय में भी बहुत सारा हम लोग कार्यक्रम किए, तो इसी फाउंडेशन को हम लोग अभी और ऑर्गेनाइज्ड वे में, बृहत्तर रूप में ले जाने के लिए आज हम लोग इसका फ्रांसिस फाउंडेशन का प्रथम जो फाउंडेशन डे हम लोग सेलिब्रेशन किए, जिसमें हम लोग जो भी थोड़ा सा हम लोग सहयोग गरीब परिवारों को जो दे सके वो हम लोग आज कार्यक्रम किए। आज हमारे यहाँ पे 2 ऑर्फेनेज ये है, स्कूल्स है, मिनिस्ट्रीज है, वहाँ के बच्चों के लिए कुछ स्पोर्ट्स का आइटम्स, फिर हमारे बुजुर्ग महिलाओं के लिए शॉल का वितरण, और हमारे यहाँ पे एक जगह है खार के बस्ती बोल के, वहाँ पे पीने का पानी का बहुत समस्या है, वहाँ के लिए आपका पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, यही सारा एक छोटा सा प्रयास हम लोग किए। तो यहाँ पर एक घर का भी देने का आपने आश्वासन जी, ये कोई सरकारी नहीं है, ये जो आज मैंने यहाँ पे घोषणा किया है कि यहाँ पे एक परिवार है, राय परिवार है, जिनका बीवी भी अपाहिज जैसा है, बच्चा भी ऐसा है, उनका घर नहीं है, छत नहीं है, वो लोग प्लास्टिक को वो करके बैठ रहे, तो आज हम लोग ने फाउंडेशन का तरफ से आज घोषणा की है कि उनके लिए हम लोग एक घर बनाएंगे, लेकिन ये कोई सरकारी स्कीम के तहत नहीं होगा, ये इस फाउंडेशन के तहत ये घर बना दिया जाएगा। साथ में क्या भोजन करेंगे जी? आज मोटा मोटी हमारा 250 जितना भी हमारे मेरे मित्रगण हैं राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, साथ ही हमारे मेरे परिवार के लोग और हमारे यहाँ के हमारे विशेष करके समझिए अंचल के हमारे राजनीति से जुड़े कुछ लोग को, साथ ही हमारे प्रेस बंधुओं को, सबको लेके एक वनभोज का भी आज आयोजन किया गया, क्योंकि अभी हमारा भूटान हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि भूटान बंद है, इसलिए हम लोग आज में यहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर का प्रोग्राम भी हम लोग। संदीप जी देखिए, विशेष करके जन्मदिन से भी ज़्यादा फोकस, क्योंकि विगत कुछ सालों से मैं ऑर्फनेज के बच्चों के साथ मैं जन्मदिन में मनाता था, क्योंकि हम लोग ऐसे भी नॉर्मली भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमारा पार्टी या और चलता रहता है, इसलिए एक जन्मदिन को ही मद्देनज़र रखते हुए इसमें बड़ा कुछ नहीं करके इन बुज़ुर्ग महिलाओं के साथ बच्चों के साथ ये एक कार्यक्रम करके उनके साथ बिताने का एक प्रोग्राम भी है, साथ ही हमारे ये फाउंडेशन डे का कार्यक्रम भी है।
हम लोगों की तरफ से आपको एक बार फिर जन्मदिन की शुभकामना, आप सदैव स्वस्थ रहे, इसी प्रकार से जनसेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ना झा जी, आप जिला परिषद के मेंटर है और यहाँ के जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं इस इलाके के, तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ इस संबंध में आपका क्या राय है? देखिए, संदीप भाई से तो बहुत पुराना रिलेशन, और सामोची इलाका से हम जिला परिषद के मेंबर भी थे 5 साल, तो सभी के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप है हमारा, तो ये सोशल कामों में भी हमें याद करते हैं, तो मैं आ जाता हूँ और उनके माध्यम, संदीप भाई के माध्यम से जो भी कार्यक्रम हुआ आज भी, वो भी बहुत सराहनीय कार्यक्रम था, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सदैव ऐसा ही सामाजिक कार्यों में जुड़े रहने का मौका मिले, यही कहना चाहता हूँ। चलो।